नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश चंचल। मैं हूं आपके साथ महेश जैन। हमारी खबरें लगातार पाने के लिए आज ही YouTube से सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर से डाउनलोड करें प्रदेश चंचल। नीमच जिले के नयागांव पुलिस की, जहां नयागांव पुलिस ने अवैध तस्करी के मामले में सफलता हासिल करते हुए 1 क्विंटल 20 किलो डोरा चूरा सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया, तो वहीं 2 अन्य आरोपी की तलाश जारी है। नयागांव चौकी प्रभारी से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर रात्रि में कानका फंटे के यहाँ घेराबंदी की गई। इस दौरान सफेद कलर की महिंद्रा पिकअप वाहन MP14GC1409 को रोक कर उसकी तलाशी ली, तो उस वाहन में 1 क्विंटल 20 किलो डोरा चूरा पाया गया, जिस पर पुलिस ने पिकअप में सवार आरोपी मुकेश पिता शंभूलाल पाटीदार उम्र 43 वर्ष निवासी मुंदेड़ी थाना पिपलिया जिला मंदसौर को गिरफ्तार किया। वहीं 2 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। दिनांक 10/3/19 को मुखबिर सूचना के आधार पर NDPS एक्ट की कार्रवाई की गई, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है मौके से और 2 को विवेचना दौरान आरोपी बनाया गया है। कुल माल इनके पास से 1 क्विंटल 20 किलो मिला है। बरामदगी पिकअप और डोड़ा चूरा बरामद हुआ है।